नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रितांबरा आपके साथ। आज तक बिहार सरकार पर तो सिर्फ विपक्ष ही सवाल उठाता आया था। नीतीश सरकार पर बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए, लेकिन आज सुबह डॉक्टर संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ रहा है। दरअसल संजय जायसवाल सुबह बेतिया से आ रहे थे और सेमरा जगह पर सड़क जाम हुआ पड़ा था। वहां पर उतर के उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें पता चला चोरियां किस हद तक बढ़ रही हैं, प्रदेश में कैसे चोरियां बढ़ रही हैं और पुलिस कार्यालय और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा। डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, सुबह बेतिया से पटना की ओर चला हूँ। रास्ते में सेमरा में जनता ने सड़क जाम किया था। उनसे मिलने पर पता चला कि सेमरा में आए दिन चोरी हो रही है और आज जब गांव वालों ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मोटरसाइकिल छोड़कर भागने में सफल हुआ। तुरकौलिया थाना प्रभारी को फोन किया गया तो उल्टे में वह गांव वालों को धमकाने लगा कि हम आएंगे तो तुम्हें ही गिरफ्तार करेंगे। और सेमरा जगह पर लोगों ने प्रदर्शन कर रखा था, चोरियां बढ़ रही हैं काफी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी और गृह मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है। जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होगा, कानून व्यवस्था चौपट का सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद उठा रहे हैं, इसका मतलब है बीजेपी दबाव बना रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। जो बात तेजस्वी यादव जी हम लोग उठा रहे थे कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, उस पर तो अब मुहर बीजेपी ही लगा रही है जो सत्ता में है। कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ गड़बड़ है, कानून व्यवस्था चौपट है, अपराधियों का राज कायम है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार का इकबाल नहीं है, समाप्त हो चुका है। ये बात तो नेता विरोधी दल लगातार उठा रहे थे हम लोग, आज वो साबित हुआ। अब तो संजय जायसवाल जी उठा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अब जवाब दें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि बिहार का क्या हाल कर दिया, कानून व्यवस्था क्यों चौपट है। अब अपने सहयोगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये गंभीर विषय है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो बात संजय जायसवाल जी ने उठाया है उसको सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। धन्यवाद।